वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों आज की जो वीडियो है यह है रॉयल चैलेंज विस्की के ऊपर, और आज की जो वीडियो है ये हमारे एक व्यूअर है मिस्टर तनुज जी, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर लाई गई है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तकरीबन हर एक वीडियो पे उनका कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ रॉयल चैलेंज विस्की का रिव्यू कीजिए। तो इसीलिए भाई तनुज भाई, आपके लिए आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ रॉयल चैलेंज विस्की का। आज मैं करूँगा इसका डिटेल रिव्यू, देखेंगे कि ये पीने में कैसी है, इसका क्या प्राइस है पंजाब में, चंडीगढ़ में, और जिस प्राइस रेंज में ये मिलती है क्या ये बाय करने के लिए वर्थ है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों रॉयल चैलेंज विस्की आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ डीएजीओ। डीएजीओ अपने वर्ल्ड क्लास फेमस प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, ऐसा ही कुछ है रॉयल चैलेंज विस्की के साथ। रॉयल चैलेंज की इंडिया में अपनी ही एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई इस विस्की ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। जी हाँ, कितनी प्राउड वाली बात हो जाती है। ये 750 ml की बॉटल है और इसका जो पंजाब में प्राइस है ये 700 के आसपास आपको मिल जाएगी, और चंडीगढ़ में आपको 500 के आसपास मिल जाएगी। तो ये एक बजट ओरिएंटेड विस्की है, बजट में देख के इसको बनाया गया है, और इसीलिए इसकी जो सेल्स है इंडिया में इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि 1000 के अंडर जो विस्कीज इंडिया में आती है लोग सबसे पहले उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कॉमन मैन जो है हमेशा अपनी पॉकेट को पहले देखता है, उसके बाद वो हमेशा जो है प्रोडक्ट की तरफ जाता है। अब जल्दी से मैं इसकी बॉटल निकालता हूँ। दोस्तों ये ब्लेंड है इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स का, स्कॉच मॉल्ट का और मोलासिस का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें एडिट कलर्स डाले गए हैं लेकिन इसमें एडिट फ्लेवर्स नहीं डाले गए। ये बात मुझे अच्छी लगी कि इसमें एडिट फ्लेवर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया। इसको अमेरिकन चार्ड ओक बैरल्स में जो है मैच्योर किया गया है। तो जल्दी से अब इसको ओपन करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट। तो चलिए ओपन करते हैं अपनी बॉटल को। पहले कलर देख लेते हैं, कलर कैसा है और इसकी लेग्स कैसी बन रही है। दोस्तों कलर इसका बिल्कुल एक डार्क कलर है, लाइट कलर नहीं है, थोड़ा डार्कर साइड पे है, और इसकी जो लेग्स बन रही हैं ये मीडियम लेग्स बन रही हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं बन रही और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं बन रही, एक मीडियम बॉडीड विस्की है। अब जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं। चीयर्स। नोजिंग जैसे ही मैंने की भाई, इसमें मुझे भपका वो अल्कोहल का नहीं मिला, इसमें एक स्वीटनेस आ रही है। स्वीटनेस जो है जो गन्ने के रस से आती है, जो मलासी से आती है, सेम वैसी ही स्वीटनेस मुझे इसमें मिल रही है। बिल्कुल हल्की हल्की इसमें वुडीनेस भी आपको मिलेगी। नोजिंग के ऊपर लग रहा है कि काफी स्वीटर साइड पे होने वाली है, क्योंकि जो एक गन्ने के रस से जो एक गुड़ का, जैगरी का जो एक टेस्ट होता है, जो एक मिठास होती है, वैसी कुछ कुछ नोजिंग मुझे इसके ऊपर मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जो मोलासिस का यूज हुआ है वो काफी अच्छे से हुआ है। अब जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। गाइस नीट पीने में ये अल्कोहल का बर्न आपको देगी, और अच्छा खासा अल्कोहल का बर्न आपको मिलेगा। मैं बिल्कुल भी सुजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको नीट पियो, और इस बजट की विस्की को आप नीट मत पियो, आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छी नहीं होगी। इसमें आप वाटर ऐड करो, सोडा ऐड करो, उसके बाद इसको पियो। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगा, थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं इसको। गाइस बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब दोबारा से मैं इसको टेस्ट करता हूं। चीयर्स। पानी ऐड करने के बाद भी हल्की हल्की सी हार्श मुझे लग रही है, लेकिन फिर भी बियरेबल है, इतना चलेगा, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये आती है 500 और 700 के आसपास, इतनी ज़्यादा हार्श नहीं लग रही वाटर ऐड करने के बाद।
हल्की हल्की वुडीनेस मुझे इसमें मिल रही है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स मुझे इसमें नहीं मिल रहे। अगर हम इसमें सोडा ऐड करके पियेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा नहीं बोलूँगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी भाई, वो दूंगा 6.9 out of 10। जी हाँ, मुझे पीने में ठीक ठाक लगी। अगर आपका बजट 500, 700, 600 के आसपास है तो आप इसको बाय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, अपना काम ठीक ठाक से कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।